इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सलामत होंगे, बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने पॉली हाउस से आउट अपने अनार के फार्म पे हूँ। ये देख सकते हैं अनार। तो अनार की जो प्रोडक्शन है इस बार काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेरेटिवली टू दो तीन सालों में जो मुझे प्रोडक्शन मिली। तो ये 5 से 6 साल की प्लांट है प्रोमिनेंट की। तो आप देख सकते हैं इस बार प्रोडक्शन मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अभी तक हार्वेस्टिंग एक बार भी नहीं की है क्योंकि एक्चुअली आज के टाइम की बात करूँ मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर अनार बिकते थे तो अबाउट मिनिमम वो जाते थे अबाउट 40 रुपीज़ केजी के आसपास, 30 से 40 रुपीज़ केजी के बीच में। तो आज जो मार्केट का हाल है वो बहुत बुरा हाल है। जो अभी अक्टूबर में जो आपका जो भी प्रोडक्ट बेचा हुआ है जिसने भी उसको हार्डली मैक्सिमम 30 रुपीज़ के आसपास केजी गया हुआ है। तो ये जो मुझे अब तक इन्फॉर्मेशन सुनने की आई है वो ये है कि नासिक का आउटपुट तो चलो होता ही था, वहाँ गुजरात और राजस्थान में भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क हमारे हिमाचल एरिया में पड़ चुका है, खासकर कुल्लू वाले एरिया में, क्योंकि नासिक का जैसे ही ख़त्म होता है माल वैसे ही यहाँ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो ओबियसली थोड़े और भी एरियाज़ हैं जहाँ से चलता है तो उसके कारण रेट जो बहुत डाउन चले गए। तो हालांकि आज तो सितंबर एंड चला हुआ है तो एक्चुअली मैं रेट टिकाने की कोशिश कर रहा हूँ इनको ताकि रेट ठीक मिल जाए। एक्चुअली अब तो 50 से 60 के बीच में पहुँच चुका है टॉप क्लास रेट जो है प्रोडक्ट का। तो लेकिन हार्डली अब पता लगेगा मार्केट में जाके क्या मिलता है। आज 21 सितंबर के आसपास डेट है तो आज बरसात हुई है काफ़ी, तो एक दो दिन से मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है जिसके कारण अब रिज़ल्ट जो देखने को मुझे मिल रहे हैं वो ये रिज़ल्ट हैं। आप देख सकते दरार आ चुकी है इनमें, ये फट रहा है अनार। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर ये साफ़ अनार है, ये भी साफ़ अनार है, लेकिन अब ऐसा है कि फटने के कगार ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पानी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ देख सकते हैं इतना बड़ा साइज़ अनार का और ये अबाउट होगा तो अबाउट 250 ग्राम से ऊपर का है ये अनार एक। तो ये भी फट चुका है तो इसका प्राइसिंग तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगी, अबाउट बहुत कम रेट मिलेगा। तो थोड़ा मायूस भी हूँ इस बार। इस बार पॉली हाउस में भी कोई मुझे खास प्रोग्रेस नहीं मिली एज़ कम्पेरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले। हाँ हालांकि कैप्सिकम ठीक चला है मेरा थोड़ा तो, लेकिन कुकुम्बर ने इस बार मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो अब थोड़ा होप अनार के ऊपर है ये निकालता है किस तरह निकलता है। अबाउट एक क्रेट की मिनिमम एवरेज लेके चलूँ तो सभी प्लांट्स है अबाउट 300 प्लांट्स के आसपास है। तो देखते हैं फ्यूचर में कितना आउटपुट देगा, कितना रिज़ल्ट देगा ये। तो फिलहाल हालांकि मैं तो अभी एक्चुअली यहाँ पर तोते बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनसे बचाने के लिए फार्म में खुद को बैठना पड़ता है। तो इस टाइम तो मेरे पास कोई हेल्पर भी अवेलेबल नहीं है कि जो हेल्प कर पाए, तो खुद ही लगे हुए हैं। तो आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊं कि तोतों ने क्या नक्शा चेंज किया हुआ है। आपको मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना ये ब्राउनिश जैसा हो चुका है फ्रूट, ये सिर्फ धूप के कारण होता है। तो आप देख सकते हैं जहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ी है जिस एरिया में उस एरिया में ब्राउनिश नहीं है। तो ये देख सकते हैं इस साइड को कलर आपका काफ़ी हद तक अच्छा है, ऊपर दिखाऊँ मैं इस वाले एरिया में, तो इसके ऊपर देख सकते हैं आप सनबर्न का निशान है। तो ये भी मेरे काफ़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर रहता है गर्मियों में इस एरिए का हमारे वाले का। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ भी काफ़ी मतलब फ्रूट्स में ऐसा रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो ये देख सकते हैं आप तोतों का असर क्या बिगाड़ा था, अच्छे ढंग से खाया हुआ है। तो एक साइड की बेल्ट में काफ़ी खाया हुआ है प्लांट और अब तो बस वो रिज़ल्ट आ रहा है कि फट रहे हैं प्लांट फ्रूट्स। तो ये देख सकते हैं इधर भी काफ़ी दरार आ चुकी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा मायूस तो होते ही हैं, किसान है पूरी साल टिकाता है फ्रूट, उसके बाद भी अगर ऐसा हो जाए तो काफ़ी हद तक लॉस झेलना पड़ता है और रेट तो बहुत खूब होते हैं वो तो आप भी जानते हैं कि किस तरह किसान की लगती है सब्जी मंडी में। वहाँ बस उनको डिफेक्ट चाहिए होता है, अपने बेचते एंड पे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो निकाल देते किसी भी तरह से। देख सकते हैं फट रहे हैं यहाँ पर। अभी बरसात हुई है दो दिन से कंटिन्यूसली, आज थोड़ी रुक चुकी है तो अभी देख सकते हैं आप पानी की बूंदें घास पे टिकी हुई है। काफ़ी हद तक फट रहा है आज।
ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी। तो दोस्तों मैं अभी आजकल काफ़ी लेट मैं अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सिस्टम मेरा ख़राब हो चुका है काम करने का, एक्चुअली बिजनेस है अपना साइड साइड, तो यहाँ पर टाइम दे पाना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, तो तब करके थोड़े वीडियो भी अपलोड लेट कर पा रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी गालियाँ देते हैं, काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैं अपनी तरफ से अपना मेरा ब्लॉग है पर्सनल, जो मैं करता हूँ वो दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कोई प्रमोट कर रहा है, कोई मुझे पैसा दे रहा है, वो मेरा वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अपने मुंह से बता सकता हूँ तो वही बताता हूँ मैं, रिज़ल्ट जो भी है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल तो इस बेस पे हूँ नहीं लगा हुआ, तो जो मेरे तरफ से मतलब जो मेरे सामने होता है वही होता है, दिखाता हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा ज्ञान मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा आप भी मुझे ज्ञान दीजिए कॉल करके। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।